जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवी मूर्ति कला केंद्र में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि माता जी को साड़ी किस प्रकार से पहना जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि सर धोती कैसे बनाए पहनाएँ, साड़ी कैसे बनाए पहनाएँ दुर्गा मूर्ति में। तो हमने आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करते हुए इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आप साड़ी पहना सकते हैं माता जी को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप अपने मूर्ति के साइज़ के हिसाब से आप सभी लोग कपड़ा को कट कर लेंगे, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। गाइज मूर्ति में कपड़ा कई टुकड़ों में पहनाया जाता है, इसलिए अलग अलग टुकड़ों के हिसाब से अलग अलग साइज़ के हिसाब से आप सभी लोग कट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको छोटा सा टुकड़ा कट करना है और जिस प्रकार से वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है धोती पहनाने के लिए। तो गाइज जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया है पहनाने के लिए। तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ, कोई भी कहीं भी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है। बिल्कुल डाउट क्लियरिंग के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर बिल्कुल प्रॉपरली दिखाए कि किस प्रकार से पहनाया जाता है। तो बिल्कुल मैंने इस वीडियो को प्रॉपरली दिखाया है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग साड़ी पहनाते हैं माता जी को। तो गाइज आप सभी लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप जंघा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग साड़ी का एक टुकड़ा रख कर चुनकस बना लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग पहना रहे हैं साड़ी को। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए वीडियो को लाइक, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ नॉलेजबल वीडियोज़ आप तक रेगुलरली पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं इसको पहनाने के लिए मैं छोटी छोटी कील का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि आपको मार्केट में हार्डवेयर की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और गाइज आप सभी लोगों को एक स्टेपलर और काटी ले लेनी है और एक छोटी सी हथौड़ी ले लेनी है, इसी से आप माता जी में साड़ी आराम से पहना सकते हैं। तो गाइज इतना इंस्ट्रूमेंट साथ में लेने के बाद आप सभी लोग वीडियो में दिखाए गए अनुसार साड़ी माता जी की इस पोजीशन पर इस तरह से पहना सकते हैं। तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग प्रकार से साड़ियाँ पहनाई जाती हैं, उसके लिए हम अभी आपको और भी वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आप सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं कि खड़ी मुद्रा में माता जी को साड़ी किस प्रकार से पहनाएं, या फिर दौड़ की मुद्रा में जिस तरह महिषासुर का मर्दन करते समय माता जी जिस पोजीशन में होती हैं उस तरह से किस प्रकार से आप साड़ी पहनाएंगे, मैं उसका भी वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा। तो गाइज आप सभी लोग फिलहाल अभी ये देखिए कि जब अम्बे माता जो शेरे वाली माता होती है बैठी होती है शांत मुद्रा में, तो उनका साड़ी किस प्रकार से पहना जाता है। तो आसानी से बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों दोनों टुकड़ों को दोनों जगह पे लगाने के बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है माता जी का जो प्लेटें होती हैं साड़ी की वो पहनाने का। तो उसके लिए आप थोड़ी लंबी साड़ी काट लेंगे, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया, और इस प्रकार से उसमें प्लेट बनाने के बाद आप कील से रोक कर आसानी से एक सुंदर सा प्लेट देकर माता जी की साड़ी बढ़िया से पहना सकते हैं। तो गाइज आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम ज़्यादातर आप सभी लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी लोग जैसा भी चाहें जिस भी चीज़ का चाहें, अभी तो आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हमारी आपके कमेंट के ऊपर ही हम ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं हम चाहते हैं कि वही चीज़ें हम आपको दिखाएँ। तो आप सभी लोग इस तरह से कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमारे पास जो नॉलेज है हम उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और आपका भी जो अनुभव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को एक दूसरे से हेल्प हो सके और हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें अपने कस्टमर्स के लिए और सभी इंटरेस्टेड लोगों के लिए। और दोस्तों YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए अपने मूर्तिकार भाइयों और अपनी प्यारी से ऑडियंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को इस समय हम पर बहुत सारा प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम आपको अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। और आप सभी लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट करके आप सभी लोग भी मुझे कुछ ना कुछ अपने अनुभव ज़रूर बताया करें, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं मुझसे भी होती हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, हम आप सभी लोगों के कमेंट को बारीकी से पढ़ते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब कला होती है जो कि अनुभव से ही मिलती है। तो जितना सभी लोग हम और आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा अनुभव अपने को होता जाएगा और हम सभी लोगों के काम में निखारता आती जाती है। तो गाइस आप सभी लोग अनुभव ज़रूर शेयर करें एक दूसरे से। तो दोस्तों इसके बाद मैं पोस्ट करने वाला हूँ दूसरी वीडियो, जिसमें कि आप सभी लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं वो इसी में ऐड करता तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए उसको मैंने दूसरी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। उसमें मैं दिखा दूंगा कि आप माताजी में बाल कैसे लगाएं, शेर में बाल कैसे लगाएं, माताजी को मुकुट कैसे लगाएं, माताजी को क्रेप बाल कैसे लगाएं, माताजी के हाथ में और बाजू बंद में स्टिकर कैसे लगाएं, सारी जानकारी उस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।
ओके दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा श्रृंगार करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माँ की मूर्ति में किस प्रकार से बाल लगाते हैं और किस प्रकार से स्टिकर लगाते हैं, जैसा कि अभी मैं यह फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सेम टू सेम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सब मुकुट कैसे और किस प्रकार से लगाया जाता है, और शेर में बाल किस प्रकार से बनाकर लगाया जाता है, माता जी में बाल किस प्रकार से बनाकर लगाया जाता है, और किस प्रकार से क्रेप बाल लगाते हैं, और किस प्रकार से आप माता जी में नथिया मातमेंदी पहनाते हैं, और किस प्रकार से मुकुट लगाते हैं, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए, और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल देवी मूर्ति कला केंद्र। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।